स्कूली बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी स्कूलों और गैर सरकारी स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सतीश शुक्ला ने बच्चों के साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रहने का आह्वान भी किया। स्कूली बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सतीश शुक्ला ने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए आह्वान किया। हमीरपुर बाजार के भोटा चौक से गांधी चौक पर स्कूली बच्चों द्वारा निकाली गई रैली में बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर और नारे लगाकर लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर बच्चों ने कुपोषण, बच्चों के वजन, हाथों की सफाई इत्यादि को लेकर जागरूक लाने के लिए बच्चों को टिप्स भी दिए गए। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सतीश शुक्ला ने बताया कि स्कूल के बच्चों ने नारे लगाकर पूरे बाजार में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया है। उन्होंने कहा कि बच्चों में सफाई को लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता आए, इसी के चलते रैली का आयोजन किया गया है। मैं ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता समितियां, स्कूल और दूसरे स्तरों पर इन्वॉल्वमेंट रहेगी, तो इसमें प्रयास किया है कि डिप्टी डायरेक्टर सेकेंडरी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर डॉक्टर अर्चना सोनी के माध्यम से जो है या सौजन्य से ये लगभग 10 जो निजी स्कूल और सरकारी स्कूल हैं इन पर स्पेशली फोकस किया। NSS कैडेट, NCC और दूसरे बच्चे, इनका एक रैली जो है आज आयोजित की गई है, जिसका फ्लैग ऑफ किया डिप्टी डायरेक्टर और CMO मैडम ने संयुक्त रूप से। तो हमारा मेन मकसद चार रहता है, बच्चों में कुपोषण को दूर करना, जिसका स्वच्छता से बहुत ज़्यादा नाता है, स्वच्छता की वजह से बच्चा बीमार हो सकता है। हैंड वॉशिंग को फोकस किया गया है, जो 6 स्टेप्स है हैंड वॉशिंग के, वो बच्चों को सिखाए गए हैं और वो कंटिन्यू आगे बच्चों को सिखाएंगे एज ए पीयर एजुकेटर बनके। और उसके साथ तीसरा फोकस है कि बच्चों का जो वजन है उस वृद्धि को मापने के लिए प्रयास, और HV टेस्टिंग में जिनका भी 11 ग्राम से नीचे है उनकी लिस्ट आउट करके उनको ट्रीटमेंट भी और साथ में काउंसलिंग उनका जो है वो विभाग कर रहा है। इसके साथ जो है कुछ चिन्हित ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता समितियों और विशेषकर हाई रिस्क एरिया जहाँ पे माइग्रेटरी पॉपुलेशन है वहाँ भी ये जो है इस 8, 9 से 15 के बीच में सप्ताह जो जिलाधीश महोदय ने मनाने के लिए कहा है, इसमें विशेषकर स्वच्छता को लेके जो है कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें ये रैली भी आज आप देख रहे हैं ये बहुत उत्साह जगह रही, और जिसमें 9 या 10 स्कूलों के बच्चे जो थे जिन्होंने नारे लगाते हुए पूरे बाजार में ग्राउंड से ये चली और यहाँ पे हमने समप किया। तो इसका निश्चित एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव संदेश जाना है लोगों में, यही हमारा मकसद है।